तेज लाए रखे अपने घर के दिए दरीचों से है घर की आना। तेज लाए रखे अपने घर के दिए दरीचों से है। पाकिस्तान टेलीविजन ने न सिर्फ मायारी ड्रामे आवाम तक पहुंचाए, बल्कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स भी तरतीब दिए जिनसे न सिर्फ बच्चों को अपनी आला इकदार से रोशनास होने का मौका मिला बल्कि मुल्क के नौजवान टैलेंट को भी दुनिया के सामने लाया गया। मौसीकी के होने वाले प्रोग्राम से जहां नाजिया हसन और बेंजामिन सिस्टर्स ने शोहरत हासिल की, वहीं मूना सिस्टर्स भी मंजर आम पर आईं, जिनके गाए हुए गीत आज भी माजी के झरोकों में ले जाते हैं। नन्नी मुन्नी बहनें जो स्क्रीन पर अपने सुरों का जादू बखेरती थीं, वो अचानक क्यों स्क्रीन से हुई, आजकल कहां और किस साल में जिंदगी बसर कर रही हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। बचपन की हसीन यादों में कुछ टीवी प्रोग्राम्स ऐसे थे जो हम बच्चे बड़े शौक से देखते थे और इन प्रोग्राम्स का इंतजार रहता था। उनमें बच्चों के प्रोग्राम ऐनक वाला जिन, अलफ लैला, बहादुर अली, बच्चों का म्यूजिक प्रोग्राम संग संग चलें, सारे दोस्त हमारे जो के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर सोहेल राणा पेश करते थे, जिनमें बच्चों के साथ बैठकर मुख्तलिफ मिली नगमे, गीत और प्यारी प्यारी नज़में शामिल होती थीं। नाजिया हसन, अफशा अहमद, फातिमा जाफरी, ये सब मशहूर गुलूकार सोहेल राणा के प्रोग्राम से ही मशहूर हुए और आगे चलकर म्यूजिक इंडस्ट्री में नए बाब रकम किए और सारी दुनिया में मशहूर हुए। बच्चों का ये प्रोग्राम शाम को जिस वक्त आता था, उस वक्त हमें याद है कि हम सारे काम छोड़कर उसको देखा करते और उस वक्त इस प्रोग्राम में गाए जाने वाले नगमे और गीत आज तक जहन में ताज़ा हैं। खासकर उसमें मूना सिस्टर्स के गाए हुए मिली नगमों ने पूरे मुल्क में धूम मचा दी थी। उसमें कितने ऑडियो कैसेट्स बाजार में आए और लोगों में मकबूल हुए। ये मूना सिस्टर्स उस वक्त सेलिब्रिटीज थी जो कि बच्चों और बड़ों दोनों में पसंद की जाती थी। ये तीन बहनें जिनमें लीड सिंगर मूना मुख्तार थीं, उसके साथ लुबना मुख्तार और समरीन मुख्तार हुआ करती थीं। 80 की दहाई में मूना हर बच्चे की पसंदीदा गुलुकारा हुआ करतीं और इस प्रोग्राम में शामिल बच्चे हर अहम कौमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद बुलवाए जाते और वहां सदर मुमलिकत और वजीर आजम के सामने ये मिली नगमे परफॉर्म किया करते। उस वक्त के उनके गाए हुए मिली नगमे सारी दुनिया में मकबूल हुए और उनको बेपनाह शोहरत मिली। पूरे मुल्क से सिंगर्स को पाकिस्तान टेलीविजन पर जमा करने वाले मौसीकार सोहेल राणा होते थे, जिनका तलाश किया हुआ टैलेंट न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में सितारे की तरह जगमगाता। उनकी भरपूर मिसाल नाजिया हसन है, जो जनूबी एशिया की पहली रॉक स्टार के तौर पर दुनिया में मकबूल हुई। जब तक सोहेल पीटीवी पर अपना शो करते रहे, तब तक मूना सिस्टर्स स्क्रीन पर दिखाई देती रहीं। तहम शो खत्म होने के बाद मूना सिस्टर्स भी मंजर आम से गायब हो गयी। उस वक्त ये बहनें छोटी उम्र में थीं, तो लिहाजा न ही उनकी जानिब ये बताया गया कि वो कहां चली गईं, न इस हवाले से चैनल ने मतला किया। बच्चों की जुबानों पर जिन बहनों के गीत हर वक्त जारी रहते, उन्होंने अचानक गुमनामी की नजर होकर अपने मद्दाहों को उदास कर दिया। तू है देश मेरा, तुझसे नाम मेरा, तू है मेरा खजाना ठिकाना। एक तवील अरसे बाद बिलाखिर मूना सिस्टर्स के बारे में मालूमात मिली, जिनके मुताबिक बड़ी बहन और लीड सिंगर मूना मुख्तार, जो कि अब मूना आतिफ है, शादी के बाद कनाडा में रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने शादी के बाद गुलुकारी को तर्क कर दिया, तहम उन्होंने अपने नाम से यूट्यूब चैनल बनाया, जहाँ उन्होंने अपने बचपन के उन नगमों को दोबारा गुनगुना कर लोगों के जहनों में ताज़ा किया, जबकि बाकी बहनों के हवाले से कोई मालूमात सामने न आ सकी। वो इस वक्त कहाँ और किस साल में अपनी जिंदगी बसर कर रही हैं। मूना आतिफ बिलाशुबा यूट्यूब चैनल बनाकर माजी की हसीन यादें ताज़ा कर रही हैं और इस वक्त बच्चे बड़े हो चुके हैं, उन्हें एक बार फिर अपने बचपन की सुनहरी यादों में जीने का मौका फराहम किया है। मूना सिस्टर्स के हवाले से ये कहना बेजा ना होगा कि इस फैमिली में सुर और संगीत खून की तरह सराइयत किया हुआ है। मूना सिस्टर्स के अलावा उनका एक इकलौता भाई रमीज मुख्तार है, जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन म्यूजिक बैंड फ्यूजन के साथ वाबस्ता रहा। मूना सिस्टर्स के लाजवाल गीतों में सूरज करे सलाम, चंदा करे सलाम, ढाक बाबू मेरा खत ले जाओ, तू है देश मेरा, दिया जलाए रखे शामिल है। ये ऐसे गीत थे जिन्होंने बच्चे बच्चे को अपना गर्विदा बना लिया। ये नगमे सुनकर आज भी हम उस खूबसूरत दौर में पहुंच जाते हैं जहां हाथों में हाथ डाले सारे बच्चे लाइन में स्टेज पर बैठे होते थे और टीवी पर देखने वाले बच्चे भी उनके साथ हर नगमे को दोहराते और गाते थे। सालगिरह